हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट से बालों पर होने वाले नुकसान की। केमिकल ट्रीटमेंट जैसे रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग, हाइलाइटिंग, जो कि आजकल लोग अपने बालों पर करवा रहे हैं और करवाने के बाद देखते हैं कि उनके बाल टूटने लगे हैं, ड्राई होने लगे हैं, कमज़ोर होने लगे हैं, स्प्लिटेंस होने लगे हैं। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में इस समस्या का सलूशन पूछा गया था, तो आज यह वीडियो आपके लिए है और उन सभी लोगों के लिए है जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहले बात करते हैं इस समस्या का कारण क्या है, जो कि है सही देखभाल ना हो पाना। दोस्तों, रिबॉन्डिंग के समय आपको बताया जाता है कि आपको रिबॉन्डिंग के बाद 6 महीने तक हेयर स्पा लेना है, तो आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि रिबॉन्डिंग के बाद बाल गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं और बेजान हो जाते हैं। तो चलिए, आज सिखाते हैं घर पर ही हेयर स्पा करने का सही तरीका। इसके लिए चाहिए 2 चम्मच दही मोटा वाला, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 चम्मच कंडीशनर और 2 विटामिन ई के कैप्सूल। सबसे पहले आप एक बाउल ले लीजिए, उसमें डालिए एलोवेरा जेल, फिर डालिए कंडीशनर, फिर डाल दीजिए दही। दही हमने 2 चम्मच लिया है। अब डालते हैं विटामिन ई के कैप्सूल। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे बढ़िया करके। फ्रेंड्स, देखिए ये अच्छे से क्रीम तैयार हो गई है, मिक्स हो गई है। अब इसको बालों में लगाने का मेथड देखते हैं। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby.